सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो इस वर्ष 2 अगस्त को श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाएगा। यह दिन विशेष रूप से भक्तों द्वारा भगवान शिव की पूजा, उपासना और व्रत के लिए समर्पित है। लेकिन इस पर्व की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है कांवड़ यात्रा, जो कि सावन माह के दौरान भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा को दर्शाने का एक प्रमुख तरीका माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रचलित लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के प्रिय माह सावन की शुरुआत होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा नदी से पवित्र जल भरकर अपने कांवड़ में ले जाते हैं और इसे अपने स्थानीय शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यह यात्रा सावन शिवरात्रि के पर्व की तैयारी को संपूर्ण करती है। शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से श्रद्धालुओं का मानना है कि वे सभी पाप कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, आगे हम जानेंगे इन सब की वास्तविकता और कैसे प्राप्त की जा सकती है भगवान शिव की विशेष कृपा। तो चलिए सावन शिवरात्रि से जुड़े इस खास एपिसोड को शुरू करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है। सवाल नंबर 1, कांवड़ यात्रा का ऐतिहासिक महत्व और इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा के दौरान भक्तों को कौन कौन से आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं? साथ ही इस यात्रा का शिवरात्रि के पर्व से क्या संबंध है और शास्त्रों में इसके बारे में क्या उल्लेख है? कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और प्राचीन धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की पूजा और आराधना करना है। श्रावण अर्थात सावन मास में शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों में गंगा जल प्राप्त करने के लिए जाते हैं और उसे कांवड़ के माध्यम से शिवलिंग पर अभिषेक के लिए ले जाते हैं। इस यात्रा की पृष्ठभूमि में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि सागर मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर सृष्टि की रक्षा की। विष पीने से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहते हैं कि विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी का जलाभिषेक किया गया, जिससे कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्रावण मास में देवताओं ने शिव जी पर गंगा जल चढ़ाकर विष के प्रभाव को समाप्त किया और तब से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। इन लोक कथाओं का किसी शास्त्र में ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन वे जनमानस में गहराई से प्रचलित हैं। कांवड़ यात्रा का सावन शिवरात्रि से भी गहरा संबंध है, क्योंकि सावन शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का अभिन्न अंग मानी जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से वे सभी पाप और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और कांवड़ यात्रा से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त करते हैं। लेकिन दर्शकों, क्या यह यात्रा शास्त्र सम्मत है? जानिए इस वीडियो में। सुत्संग वेद में लिखा है कि सामण शैल न कीजे, राजा योगी बैठ पति जे। सामण में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता।
क्यों? क्योंकि सामण में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी, और उस समय में ये कावड़ लड़का की शिक्षा दे रखी है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म उर्झाणी, उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे असंख्य जन्मों तक भी वो भोग्य पार उसके पूरे नहीं होंगे। कावड़ यात्रा का पवित्र शास्त्र गीता वेदों में कोई प्रमाण नहीं है, अतः यह जनमानस के द्वारा किया जा रहा मनमाना आचरण है। आइए जानते हैं गीता जी में मनमाने आचरण के विषय में क्या कहा गया है। अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी गीता जी और वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद् गीता, ये एक ज्ञान है। गीता जी में कोड वर्डों में संक्षिप्त है चारों वेदों का, और साथ में इस गीता ज्ञान दाता का इस गीता में अपना मत भी है। जो इसका अपना मत है वो हमें मान्य नहीं है यदि वो वेदों से नहीं मिलता। वेदों वेद क्या है? वेद परमेश्वर ने ज्यों के त्यों इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे, और इसने न्यू के न्यू बाहर निकालने पड़े। जैसे समय आने पर माता के गर्भ से बच्चा अपने आप ही बाहर आ जाता है, उसके बस की बात नहीं। जैसे किसी को वमन होती है, उल्टी होती है, तो उसके बस की बात नहीं उल्टी ना हो। तो ऐसे ही परमात्मा ने पांचों वेद डाले थे इसके, ये उनको मिश्रण तो नहीं कर सका, उनमें बाहर निकला इसकी श्वासों से, उसकी श्वासों से बाहर निकला ये सारे। अब पहले तो इसको समझना बड़ा कठिन था कि ऐसे कैसे हो सकता है, आजकल बहुत आसान है। जैसे एक छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना मैटर उसके अंदर फीड होता है, और कंप्यूटर में डालकर उसको दूसरे में निकाल ले, प्रिंट इतना ढेर लग जाता है, वो प्रिंट निकाल देता है, और अंदर एक छोटी सी चिप है। तो ऐसे ये श्वासों से ये पांचों वेद बाहर आ गए ज्योति निरंजन के काल के ब्रह्म के शरीर से। इसने देखा उनको पढ़कर, पांचवा जो वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें बहुत अत्यधिक जानकारी थी उस परमेश्वर की, ये मंत्र लिखे थे उसमें सारे। इसने उसको सभा कर दिया, नष्ट कर दिया, यानी उसको नहीं दिया, छुपा दिया, और चार वेद दे दिए हमारे को कि लो इसमें ध्यान, इसमें मिश्रण नहीं कर सका ओम इस वेदों में। अब इसने गीता का ज्ञान वेदों वाला बोला, इसमें थोड़ा सा अपना मत डाल दिया, बार बार कहता ये मेरा मत है, वो समय आने पर बताएंगे अभी इतना समय। तो अब हमने देखना कि पुराण क्या है और गीता और वेद क्या है। वेद और गीता गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो गीता में ज्ञान है वो वेदों वाला है, और वेद परमात्मा ने दिए हैं पूर्ण ब्रह्म ने। तो जो वेदों और गीता में जो लिखा है वो परमात्मा का आदेश है, जो करना है बस, नथिंग एल्स। वो तो है शास्त्र अनुकूल, उसको त्याग कर जो भी हम साधनाएं करते हैं वो व्यर्थ है। अपनात्मा जैसे पुराण है, पुराण किसने बोला? ज्ञान ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी से सुना दक्षादि ऋषियों ने, उन ऋषियों से सुना आगे ऋषियों ने, उनसे सुना आगे ऋषियों ने। तो जिस जिस ऋषि ने जो ज्ञान सुना जिस भी विषय में, उसमें ब्रह्मा वाला ज्ञान प्लस में अपना अनुभव, और प्लस में अन्य से कुछ दंत कथा सुनी हुई बना करके पुराण बना दिया, और उस पुराण में उसका लेखक का नाम, उसका जो वक्ता का नाम लिख दिया कि उसका वक्ता ये है, लेकिन लेखक इसका सबका व्यास जी है। अब जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराण में तो वो सही है, और जो वेदों से अलग जो ज्ञान उसमें है वो उस ऋषि या ब्रह्मा की अपनी अनुभव सोच है, वो हमने पालन नहीं करनी है, क्योंकि परमात्मा का विधान है वेद और गीता,
उसमें जो सिमरण भक्ति विधि लिख रखी है उतना ही मंत्र जाप करें, उसे अलग करेंगे तो शास्त्रीय विधि तक का मनमान आचरण हो गया, तो वो हमने नहीं करना है। फिर उससे क्या हानि होगी, जैसे एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा जी SHO, और उस व्यक्ति ने अपने मित्र SHO से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, गुआंडी साथ वाले मकान में बहुत तंग करता है, बहुत प्रार्थना कर ली, पंचायत भी कर ली, वो मुझे परेशान करने से बात नहीं आ रहा, तो क्या करूं। SHO ने कहा उसका मार लठ माफ देख लूंगा। उसने अपने मित्र SHO एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, उस झगड़े में उस पड़ोसी की मृत्यु होगी उसके हाथ से। अब उसने उस अधिकारी, अब उस व्यक्ति ने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके जो विधान तोड़ दिया राजा का, उसके अंतर्गत उसको सजाए मौत होगी। अधिकारी आज्ञा का पालन करके उसने जो विधान तोड़ दिया राजा का, उस राजा के विधान अनुसार उसको सजा होगी, हो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको सजाए मौत की सजा मिल गई। तो पुण्यात्मा वेद और गीता ये परमात्मा का विधान है, इसके अतिरिक्त पुराण जो है ये किसी ऋषि और यहाँ के ये ब्रह्मा विष्णु या शिव ये अधिकारी हैं, इनकी आज्ञा है उसके अंदर। यदि उनकी आज्ञा वेदों से नहीं मिलती है, उनके भक्ति की विधि, तो वो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है, यानी वो विधान भगवान के विधान को भंग करना है, एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करना है, तो उससे ये सजा मिलेगी आपको जैसे उस व्यक्ति को मिल गई, एक SHO की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान टूट जाने से उसको सजाए मौत हुई। तो यही दशा आप उन लोगों की होगी जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक कहा है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई झरनों में खड़ा हो जाता है, कोई तपस्या करता है, कोई ब्रह्म पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है, और प्रत्येक साधक अपनी साधना को, अपने यज्ञ को, यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठान को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, जिसका पाप, जिस विधि से पाप नाश हो तो उसी से मोक्ष होगा, पाप हमें मोक्ष नहीं होने देते। लेकिन वो सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन्हीं यज्ञों के बारे में बहुत विस्तार के साथ से लिखा है, कौन सी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उनमें सारा ज्ञान है। तो वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो फिर बताएंगे, वो आपको फिर साधना बताएंगे उस परमात्मा की कैसी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए वो त्याग भी। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी, यानी जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपना ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला, या वो ज्ञान जो अपने मुखारविंद से बोला हुआ एज इट इज किसी संत को दे दिया, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया, आदरणीय नानक साहिब जी को दिया, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को दिया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दिया, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को दिया, और आदरणीय मलुकदास साहिब जी को दिया। तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उनकी वाणी भी दास ने पढ़ी है, उनके अपने सतर की जो ज्ञान है वो बिल्कुल जो का तो सुख संवेद से मिलता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी से मिलता है, मेल खाता है। इसके अतिरिक्त जो साधना हम करते हैं वो गलत करते हैं। सवाल नंबर 2, क्या सावन शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा से सभी पाप और कष्टों से मुक्ति संभव है?
और इसके पीछे कौन सी धार्मिक मान्यताएं और पवित्र शास्त्रों में इसके विषय में क्या कहा गया है। श्रावण मास की शिवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और इसे अपने कष्टों के निवारण के लिए विशेष मानते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि शिवरात्रि के व्रत और पूजा के लिए भगवान शिव का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है और ना ही किसी धार्मिक ग्रंथ में इसकी पुष्टि की गई है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत के लिए मना किया गया है। देखिए छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है पेट दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे भक्ति हो कोना, और बिल्कुल न खाना व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है और ये व्रत रखवाऊँ एकादशी का, ये कहाँ से लाए। और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का से दोता। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने ब्रह्म ने, इसने अपने सत्र का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिस शांति मिला पता ही है, ब्रह्म लोक में गए वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्रत है और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। तो इस प्रकार जो शास्त्र गीता जी में जो ज्ञान है, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय अथ तृतीय अध्याय, इसमें प्रथम मंत्र में कहा है, अर्जुन ने पूछा हे जनार्दन यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं, मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो। अब यहां ये क्या कहता है, दो में अर्जुन कहता है कि मिले हुए से वचनों से, आपके ये दोगले से वचनों से मेरी बुद्धि को, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इस उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब यहां श्री भगवान बोले हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है, पहले कही गई है उनमें से सांख्य योगी की तो निष्ठा तो सांख्य ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आगे देखो, अब चौथे में कहा है कि मनुष्य न तो कर्म का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों का केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। पांचवें में कहा है निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा संसार सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवर्ष किया हुआ कर्म करने के लिए बद्ध किया जाता है। अब छठे में जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी और दम्भी कहता है। अब देखो जो मूढ़ बुद्धि जो मूर्ख व्यक्ति कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहता है। कहने का भाव यह कि जो एक स्थान पर बैठ कर हठपूर्वक आसन लगाकर
और हठ योग करने की चेष्टा करता है, मन रोकने की चेष्टा करता है, उसके विषय में कहा कि वो तो मिथ्याचारी दम्भी अर्थात पाखंडी है। सातवें में कहा कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी अपनी इंद्रियां न रोक ले और कर्म योग माने काम करते करते भगवान की भक्ति करता है, वह श्रेष्ठ है। काम करते कर्म योग माने काम करते करते, ना कि एक जगह स्थान पर बैठकर, कर्म योग का आचरण करता हुआ, कर्म योग माने अपना स्वाभाविक कर्म करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। आगे देखो आठवें में कहा है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह श्री निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, यानी तेरा पेट कैसे पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही, ये है वेद अनुसार ज्ञान जो ब्रह्म ने दिया है। और आगे पांचवें अध्याय में इसने 15वें श्लोक तक जो ज्ञान बताया है वो इसकी अपनी थोपी हुई थ्योरी है, सिद्धांत है, जो वेद विरुद्ध है। देखिएगा, यानी अक्षमा करना, ये छठे में नहीं, पांचवें में नहीं, छठे अध्याय में लिखा है, छठे अध्याय में लिखा है, जो एक आसन पर बैठ कर, अब छठे अध्याय में, वो पांचवें में गलत कहेगा ये दास, छठे अध्याय में उस तीसरे अध्याय के विपरीत ज्ञान दिया है। तीसरे अध्याय के एक से लेकर जो आठवां वर्णन है उसके विपरीत, अब अध्याय नंबर 6 के श्रीमद् भगवद गीता के, अब 10, 11, 12, 13, 14 में जो इसने 15 तक ज्ञान दिया है वो इन इसका अपना ज्ञान है। अब देखना ये अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 10 से प्रारंभ करें। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर लगावे, परमात्मा में लगावे, और शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्म से कुशा मृग छाला और वस्त्र बिछे हैं, न ऊंच बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तेरहवें में कहा कि काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और शिथिर होकर अपनी नासाग्रे यानी नासिका के अग्र भाग पर, नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमाकर दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के वर्तमस्थित भय रहित बली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित वाला मेरे प्राण होकर स्थित हुआ है। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर सदा निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठ निर्वाण प्रमाण शांति को प्राप्त होता है। अब यहां देखो, अब निर्वाण प्रमाण का अर्थ परमानंद की प्रकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण प्रमाण, इसका वास्तविक अर्थ तो ये समझना चाहिए कि ये शांति जो इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त होती है, जो ब्रह्म की साधना से जो शांति, ये कह रहा है मेरी साधना ऐसे करे ऐसे करे, और उसे निर्वाण प्रमाण शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण प्रमाण का अर्थ होता है निर्वाण माने मृत्यु, मोक्ष यानी बिल्कुल समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, और अब यदि इस शांति को सर्वश्रेष्ठ माने तो ये गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान
अर्थात सत्शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध है कि ये जो दो तरह का ज्ञान है ये काल ने अपने अटकल लगाई है अपने तक सीमित रखने के लिए और उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए छोड़ दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उन तत्वदर्शी संतों से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो सचिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे ब्रह्मणे माने अनुवादकर्ताओं ने वेद वाणी लिख दी नहीं ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सचिदानंद घन की वाणी में क्योंकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ खुद इन्होंने सचिदानंद घन परमात्मा किया है। तो यहाँ सचिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से लिखा वो तत्व ज्ञान पूर्ण परमेश्वर के पाने का तो उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के लिए छोड़ दिया। इसलिए इस काल ने अपने यहां उलझाए रखने के लिए अपने सत्र का ज्ञान और अपना भी विधान अलग से वेदों के विरुद्ध भी बताया है और वेदों अनुसार भी बताया है। तो इस गीता जी में जो वेदों विरुद्ध जो ज्ञान है जैसे अधिक नहीं है जो युद्ध कराने के लिए और काल को यहां अर्जुन को यहां भ्रमित रखने के लिए इसने कुछ एक ज्ञान ऐसा दे दिया जो अभी तक सुलझ नहीं रहा था। इस दास पे कृपा की परमात्मा ने अब ये ज्ञान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्पष्ट हो जाएगा और कोई भ्रमना कोई इसमें संदेह नहीं रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि अब ये समझना हमने अब देखिएगा 16वें श्लोक में फिर स्पष्ट करता है ये काल कि अब फिर कहता है कि न तो एकांत स्थान पर बैठने से योग पूर्ण हो सकता और खुद कह भी रहा कि एकांत स्थान पर बैठो। अब देखो इसी के 6ठे के 16वें में देखो अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में अब 15 हमने पढ़ लिया। अब कहता है मुझ में रहने वाली या मेरे तक रहने वाली ही शांति प्राप्त होती। काल तक रह गया तो शांति नाम की चीज ही नहीं है जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यो का तो रह जाता। अब 16वें में कहा है कि अर्जुन न तो अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का यानी न तो अब यह एकांतम है ना ये देखो न अति अंश असनत तू योग अस्ति चन एकांतम अनशत न अनशत यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता न गणा खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का और न ज्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का यह योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का एकांतम मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का ना घना जागने वाले का ना ज्यादा सोने वाले का यह योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब सब संवेद में कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखे योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे थोड़ा खावे व्रत नहीं रखने को कहा कम खावे इतना नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा पड़के सो जा जमाई आवे और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए फिर भूख लागे कतर कतर कल जा करें जा ध्यान भूख पर रहे भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर अल्पाहार करे इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आंत मुस जा और ज्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे संयम से खावे और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत सुत्या उठे आँख खुल जा परमात्मा का मंत्र करे दो चार जिसे भी समय मिले और फिर
चलते चलते भगवान ने याद करे, खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्न की अन्नदेव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने पांच चार मंत्रा का जोटा मार दे। हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना, फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, स्वप्न में भी आपका सिमरन शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा, तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। भगवान शिव यानी महादेव जो कि स्वयं जन्म और मरण के चक्र में बंधे हुए हैं, तो विचारणीय विषय ये है कि जब शिव जी का स्वयं मोक्ष नहीं हुआ तो वे अपने भक्तों को मोक्ष कैसे प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी तक हम अज्ञान आधार से सुना करते थे कि श्री ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता अर्थात जनक नहीं है, ये अज्ञान था, सत्संग नहीं था। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है, तो ये अज्ञान था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो भक्त प्रथम बार इस बात को सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु में इस नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो बिदक जाएगा और हो सकता है फिर ये कभी वचन भी ना सुने, उसका दुर्भाग्य होगा। क्योंकि सच्चाई से दूर भागना नहीं चाहिए, सच्चाई को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि सचमुच ये कितना सत्य है, और सत्य है तो फिर सत्य के लिए हम भटक रहे हैं, सत्य मिला और हमें अपना कल्याण हुआ। अभी तक हम असत्य में भटक रहे थे, असत्य साधना कर रहे थे, असत्य ज्ञान सुन रहे थे, असत्य परमात्माओं पर आश्रित थे, अब हमें सत्य मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं श्री देवी पुराण में, देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके कौन है संपादक, हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित भी वहीं से है। गीता प्रकाशक हैं, मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंद श्रीमद् देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं, 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं, सतुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। फिर यहाँ कहा है, ये स्पष्ट लिखा है आविर्भाव माने जन्म, भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपुण्यात्मा
इस श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण ने चंद पंक्तियों में ये पांच कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर एक, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी जीवनी में लिखा है। और नंबर दो, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। नंबर तीन, दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और नंबर चार, ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके संस्कार में दुख या सुख जैसा है उसको एज इट इज दे सकते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और पांचवा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम। तो पुणात्माओं, अभी तक जो ये ज्ञान दिया करते थे वो दंत कथा थी, अज्ञान था, वो सत्संग नहीं था। और आज तक पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरु मार्गदर्शक माने जाते थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। विचारणीय विषय है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से अलग ज्ञान देता है, वो उनका मित्र नहीं शत्रु है। तो आज तक जितने भी हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे वे टीचर कहलाते थे, लेकिन वो टीचर नहीं थे, वो महाअज्ञानी थे। उन्होंने अपने सदग्रंथों को अर्थात पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी नहीं ढंग से पढ़ा, नहीं समझा, एक लोक वेद बना के पूरे मानव समाज को भ्रमित कर दिया। जैसा कि आपने पूर्व में प्रमाण सहित सुना कि शास्त्र विरुद्ध साधना यानी मनमाना आचरण करने से साधक को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, जिससे स्वसिद्ध होता है कि शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के व्रत और पूजा से पाप और कष्टों से मुक्ति संभव नहीं है। यह शास्त्र विरुद्ध साधना है और इससे साधक को कोई लाभ नहीं होगा। साथ ही देवी भागवत में आपने पढ़ा कि भगवान शिव स्वयं नाशवान है, इसलिए वे अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। सवाल नंबर तीन, पवित्र शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी के परम साधकों की स्थिति और उपलब्धियों को किस तरह से वर्णित किया गया है, तो आइए जानते हैं। गीता अनुसार तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को क्या उपाधि दी गई है और कौन है तीन गुण, देखिए। क्या कहा है कि जो रजगुण यानी श्री ब्रह्मा जी से जो संसार की उत्पत्ति जीव आपस में जो है ना प्रेरित होकर के वासना वश होकर के जीव उत्पत्ति करते हैं, संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये तो श्री ब्रह्मा जी रजगुण से हो रहा है। और सती थी यानी एक दूसरे में मोह ममता, भाई का भाई से प्यार, बहन भाई का प्यार, पति पत्नी में ममता, संपत्ति में लगाव, ये तो इसको सती थी बोलते हैं कि इस कारण से ये जीव अपना टाइम पास कर ले। ये सतगुण विष्णु जी से हो रहा है, भाव से हो रहा है। और तमोगुण माने संहार, श्री शंकर जी अर्थात श्री शिव जी तमोगुण से ये सब संहार हो रहा है। सतीथि यानी उत्पत्ति, सतीथि और प्रलय, कहते इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण मैं हूँ, काल कहता है, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। इस काल ने, काल रूपी ब्रह्म ने, इस ज्योति निरंजन ने अपने पुत्रों को पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक पर एक एक विभागीय मंत्री का दर्जा देकर अधिकारी बना दिया और स्वयं इनसे भिन्न रहता है, इसके इनके सामने नहीं आता, गुप्त रहता है, इनको भी उनका उसका पता नहीं। तो ये कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं हूँ, निमित्त मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनसे बाहर हूँ।
अब यही प्रमाण लेते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब ये सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोक 12 से लेकर 15 तक आपकी समझ में आएंगे। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कहता है गीता ज्ञानदाता, ये काल, इसको ये महाशिव भी कहलाता है, काल रूपी भगवान भी कहता है, कहलाता है। ये कहता है कि मैं इनसे अलग हूं। देखिए संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, फोन नंबर टैक्स नंबर ये है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए 110 पृष्ठ संक्षिप्त शिवपुराण और ये है रुद्र संहिता, ये 9वें अध्याय के लास्ट में है। सारा प्रकरण दे करके यहाँ पर निष्कर्ष दिया कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये शिव, ये इनका पिता, ये इनके सामने नहीं आता और ये इनसे भिन्न रहता है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इससे ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसको महेश कहो, इन तीनों देवताओं में तो गुण है और परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर यहाँ देखिएगा, ये मार्कंडेय जी कह रहे हैं, यहाँ मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी बताते आ रहे हैं, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की, ये काल को स्वयंभू कहते हैं, ब्रह्म को, इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं, यही तीन गुण हैं। ये समझ गया, आगे कंसेप्ट क्लियर हो गया। और क्लियर करते हैं इसको, क्योंकि ये अध्यात्मिक ज्ञान है और यदि इसमें जरा सा भी कच्चापन रह गया तो ये नकली गुरु अज्ञानी जनता को भ्रमित कर देंगे। परमेश्वर की कृपा से इनका ये दाव दास लगन नहीं देगा। हमारे सदग्रंथ हमारे पास हैं और श्रद्धालु शिक्षित हैं, हम इनको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक, ये कहाँ से प्रकाशित है, अथ श्री देवी भागवतम सभाष टीकम स मातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ से छपी है। ये इसके और काफ़ी विवरण दे रखे है कहाँ से छपी है। अब इसके हम तीसरे सकंद में इन तीनों गुणों को देखेंगे क्या है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, तीसरा सकंद शुरू होता है। अब देखना इसके 11 पृष्ठ पर, देवी भागवत 11 पृष्ठ, भाषा टीका युग तृतीय सकंद अध्याय 5 का और मंत्र नंबर हम 8 पढ़ेंगे। पहले हिंदी पढ़ेंगे फिर संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है। विष्णु भगवान शंकर शिव जी बोल रहे हैं, हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि, विष्णु जी को हरि बोलते हैं, सतगुण युक्त क्यों किया है। अब हम संस्कृत देखेंगे, ये देखिएगा, ये 8वां श्लोक, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मुझे क्यों बना दिया, कथम माने किस लिए, तमोगुण है, तमोगुण क्यों बना दिया, कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, सुवित है कि मुँह सतोगुण हरी,
और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। अब इससे स्पष्ट हो गया रजगुण सतगुण तमगुण ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी सतगुण विष्णु जी तमगुण शिव जी। और यही परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले बता रखा था जो आज इन सदग्रंथों में प्रमाणित हुआ। तो दर्शकों अभी आपने अपने पवित्र शास्त्रों से प्रमाण सहित जाना कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव हैं। अब जानते हैं गीता अनुसार तीनों गुणों की पूजा करने वाले साधकों को क्या उपाधि दी गई है। देखिए श्लोक 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे आसानी से हमारे ये हृदय में समा होगा ये ज्ञान। देखिए श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय 7 और श्लोक नंबर 12 यहाँ से शुरू होता है। ये 12 है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो सतोगुण से सतीथि रजोगुण से उत्पत्ति और तमोगुण से विनाश होने वाले भाव हैं उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि काल को श्राप लगा हुआ है 100,000 मानव शरीरधारी जीवों के खाने का। अब ये क्या कहता है परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब 13वें श्लोक में क्या कहा है गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी तीनों गुणों में रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के ऊपर ही आसक्त है। इन तीनों गुणों से परे रजगुण ब्रह्मा जी सतगुण विष्णु जी तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल कह रहा है ब्रह्म कह रहा है। अब 14-15 में कमाल कर दिया है। गीता जी अध्याय नंबर 7 और 14 श्लोक में क्या कहा है क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल ये बड़ी दुस्तर है ये बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं केवल मुझको ही भजते हैं वे इस माया को तरंती तर जाते हैं यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं फिर वो इनकी भक्ति नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश की गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है काल कह रहा है मेरी भक्ति करते हैं। अब यहाँ बताते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं जो मुझे भजते हैं इनसे अच्छा लाभ मिलता है। अब 15वें में कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने इस माया के द्वारा यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि सेट होगी इससे आगे कोई सुनने को तैयार नहीं है इन्हीं से जो लाभ मिल रहा है उसी में ये आरूढ़ हैं। तो कहते हैं जिनका ज्ञान हरा जा चुका है रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तक की ही जो सीमित हैं इन्हीं पर आसक्त हैं जिनका ज्ञान इनके द्वारा हरा जा चुका है रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के जो पुजारी हैं उनके विषय में कहा है वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब फिर पढ़िए माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है जो इनसे आगे किसी की भक्ति करना नहीं चाहते इन्हीं की जो भक्ति करते हैं असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अपनात्मा इस पवित्र सदग्रंथ में कितना निर्णायक ज्ञान दिया है श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 श्लोक में। अब 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों गुण रूपी यानी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है जो इन्हीं की पूजा में आसक्त हैं इन्हीं से मिलने वाले क्षणिक लाभ में ये संतुष्ट हैं
किसी और की बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये तीनों गुणों के पुजारियों के विषय में गीता जी ने लिखा है। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कह रहा मेरी भक्ति भी ना करते। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। ऐसे ही तमगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, राक्षस कहलाया, ऐसा जुल्म कर दिया, दूषित कर्म, अपनी ही माता को उठा ले गया। यानी भगवान शिव की पूजा करता था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये तीनों भाई हैं, बड़ा ब्रह्मा, बीच वाला विष्णु, छोटा शंकर। अब भगवान विष्णु की पत्नी माता हुई, क्योंकि उन जिसको वो इष्ट मान रहे थे शंकर भगवान को, उसका बड़ा भाई, और रावण पुजारी। ऐसे ही इस तमगुण शिव की पूजा की थी भस्मागिरी ने, भगवान शिव जी के महल के सामने, गेट के सामने, सिर आसन पर, ऊपर ने पैर नीचे को सिर करके 12 वर्ष खड़ा रहा उल्टा। एक दिन पार्वती जी की प्रेरणा से, प्रार्थना से, भगवान शिव ने उस भस्मागिरी से पूछ लिया कि तू क्या चाहता है, मांग, तूने जो मांगना है मैं तेरे से प्रसन्न हो गया हूं। अब भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। भगवान शिव जी ने सोचा भी तपस्वी आदमी है, के मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है भाई, मांग ले, मैं वचनबद्ध हो गया। तभी उसने वो साधना त्याग दी, खड़ा हो गया और कहा कि आप अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव जी के हाथ में एक कड़ा था, उसमें ऐसा सिद्धि युक्त कर रखा था भगवान शिव जी ने कि जिसके भी सिर के ऊपर वो ऐसे करके भस्म कह दे, वो जल जाता था, नष्ट हो जाता था, भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी किस लिए उपासना कर रहा था कि भस्म कंडा लेकर शिव जी से, और शिव जी को मारूंगा, भस्म कर दूंगा, और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अपने आत्माओं विचार करना इन बातों पर, इससे नीच कर्म और के होगा। अपने इष्ट की पत्नी पर ही बुरी नजर। अब भगवान शिव जी को ये नहीं मालूम इस दुष्ट के मन में के कुधारना है, और इसको इनको अमंत्रयामी कहें, ब्रह्मा विष्णु में इसको अमंत्रयामी कहा करते, इसे होया कर अंतर्यामी, और फिर इनको अविनाशी कहते थे। अब जो ही भगवान शिव ने कड़ा उसको दे दिया और कहने लगा भस्मागिरी के, होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव जी डर के भाग लिए, भयभीत होकर अपनी जान रक्षा के लिए दौड़ दिए, स्पीड खींच दी, आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी, जख खाट ठानते। अब ये जय अविनाशी होते, इन भागण की क्या आवश्यकता थी? अभी तक इनके विषय में जो ज्ञान इन नकली गुरुओं ने दिया वो कति अज्ञान भर रखा हमारे अंदर। इनकी जीवनी में लिखा, दास तो पढ़कर सुना रहा आपको। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए। भस्मागिरी से बोले कि रुक जाओ, अब शिवजी तो तेरे पास आएगा नहीं,
उसको तो इतना भय है कि जब तक तेरे पास कड़ा है वो निकट नहीं आएगा। अब भस्मागिरी का उद्देश्य यही था कि पार्वती मिले मुझे। आगे आपको इस कथा का पता ही है कि भगवान ने फिर उसको गंड हतनात नचा के और उसी कड़े से उसका हाथ ऊपर लिया कह के ऐसे नाच इस हाथ को ऊपर कर इसको नीचे कर। जब वो कड़े वाला हाथ उसके ही सिर पर पहुंच गया तब कह दिया भस्म, वो भस्मा गिरी मर गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया। भस्मा गिरी से ये गिरी पुरी नाथ नागा सन्यासी ये सारे शिव जी के पुजारी हैं, तमगुण शिव के पुजारी हैं। तो भस्मा गिरी से वो भस्मासुर कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरिया। तो इस प्रकार कहा है तीनों गुणों के उपासक है, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गीता में तीनों देवताओं के पुजारियों के विषय में ऐसा क्यों कहा गया है, तो सुनिए तीनों गुणों की भक्ति करने वाले साधकों की दशा। श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट हो गया इन तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे एवे नमः ओम श्री सतगुरुदेव एवे नमः, ये इस तरह के मनमुखी साधनाएं हैं, शास्त्र विधि के विरुद्ध है ये मंत्र। अब इसमें स्पष्ट हो गया है परमात्मा ने कहा था तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अरे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं वो है तो शास्त्र विरुद्ध है और राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, जैसे एक बार श्री ब्रह्मा रजगुण की भक्ति की थी अरण्यकश्यपु ने रजगुण ब्रह्मा जी की और सिद्धि प्राप्त करके भगवान बन बैठा, अपने ही पुत्र प्रह्लाद का शत्रु बन गया और वो जुल्म गुजारे उस पुण्यात्मा के साथ, पिता होकर भी शर्म नहीं आई उस अहंकार के भूखे तीनों गुणों के उपासक ने, ऐसे जुल्म की राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया, भगवान ने आकर उसकी छाती पाड़ी पेट पाड़ के गिर दिया। अब तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने आपके समक्ष है और जो वर्तमान के शिव के पुजारी एक सोमवार का व्रत रख के थोड़ी बहुत मंत्र माला करके ने सोचा पता नहीं क्या प्राप्ति कर लेंगे। अब रावण जैसी भक्ति वर्तमान का कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ से धड़ काट के यहाँ से काट के दस दोनों भुजा से समर्पित कर दिया था और जैसा किया वैसा ये दे सकते हैं भगवान, वैसा ही इसको दे दिया। लेकिन दुर्बुद्धि नहीं गई, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया और कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को सीता को उठा लाया जो शंकर भगवान के बड़े भाई की पत्नी थी उसको उठा लाया, पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था अपनी माँ को। इसे दुष्ट और कौन होगा, दूषित कर्म और क्या होगा, कुत्ते वाली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक और शिव जी के गेट के सामने मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे न सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूँ तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा।
उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, हा हा हा। अब उसने न्यू किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो अव भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड तक भाग लिया, 100 की स्पीड तक आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पटिया। तो परमात्मा ने आके रजा करी, उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल दो बात कर लेता हूँ पार्वती से, रुक गया। पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो दो बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उरा नहीं डटे भी हो। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा, मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूँ तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, जब उस बोली बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मा गिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफ़ी आगे खड़े हो गए और कहा, कहाँ दौड़ रहे हो भोलेनाथ, कहाँ चले शंकर जी, कहाँ जा रहे हो कि भाग ले विष्णु, भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देख, यू तेरा कड़ा मैं ले आया, उससे भाग डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं, ये कोई और होगा कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा, कैसे क्या कर दिया कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड हाथ नचा के, नाच नचा के, और उसको ऐसे किया जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा, मुझे उसकी वो ऐस दिखा दे, राख कहाँ सी जड़ा है। वो ल्या के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के, नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्मा, ये तो दो गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया, किसे थे ये राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा, भगवान की पत्नी पे और नीत खराब कर दिया अपनी माँ पे, तो इसे दुष्ट, गीता जी में कहा है राक्षस स्वभाव को धारण किए, भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णो धर्म, वैष्णो साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी, हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहाँ स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है, इन छह प्रकार के कुगिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णो, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में,
अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णवों में वैष्णव, साधु जा करके अपने ग्रुप में वहाँ हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे, अपने अपने अलग अलग, गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णों का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णो साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हज़ार, और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ गए, पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णों का समूह पूरा, वैष्णों ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णो, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधु कहने लगे, वो संत, कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं, तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरड़ फरड़ो टट्टी के हाथ भी ना धोते, तुम आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए, कौन, नागा, भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम, और उसने उनके बाल पकड़ दिए, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप देने एक, यानी बुड़के भर भर काट खाए, कतलेआम कर दिया, 25,000 ये त्रिगुणों पास से कटका मर गए वहाँ, हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। होय होय। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए, चार पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, के तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जम दड़ जोर बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, अर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कतलेआम कर डाला, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वहाँ जा तेग, यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, इन्हें तुम संत भी कहते हो, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे, आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं उन काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये नकली गुरु। आइए अब जानते हैं सूक्ष्म वेद में इस विषय में क्या कहा गया है। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध ढूंढो धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा, बैदा माने यूजलेस, व्यर्थ साधना है। कि सट दर्शन सट भेष कहावे, ये जैसे सन्यासी जो ना गिरी पुरी सन्यासी वैष्णो नागा और ये नाथ, ये छह प्रकार के, ये दो त्रिगुण उपासक हैं, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासक हैं, इनके विषय में कहा है। चार संप्रदा 52 द्वारे, जिनों नहीं निज नाम बिचारे, चार संप्रदा 52 द्वारे, जिनों नहीं निज नाम बिचारे,
ये माला घाल हुए हैं मुक्ता सटदल ओवा बाई बकदा। आपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में साधना पर सुना होगा। अब ये क्या एंड बैंड बोलते हैं, ओवा बाई बक रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि चार संप्रदा बावन द्वारे जिनो नहीं निज नाम बिचारे। अब ये क्या पढ़ है गीता, वेद पुराण पढ़त है गीता है, और तीर्थ व्रत करें तरबीता। वेदों में गीता में कहीं तीर्थ और व्रत करने की नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये साधना ये योग न तो अधिक खाने वाले का न बिल्कुल ना खाने वाले का, यानी जो बिल्कुल ना खाना व्रत रखना कभी सफल नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, चार संप्रदा बावन द्वारे जिनो नहीं निज नाम बिचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता सटदल उवा बाई बकदा। अब गीता पढ़ रहे हैं, अन्यों कह मूल मंत्र के हरे राम राधे श्री राधे, राम राम हरे राम, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और गीता में कितना ये मंत्र नहीं। वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बांचे पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खवावे ये भूल गए सृजन हारा। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, बारह बाट बिटम्ब बिलोरी या सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सट दर्शनियों में छह प्रकार के जितने भी साधु संत हैं, ये गिरिपुरी वैष्णव उपासक कृष्ण जी के उपासक, ये नाथ परंपरा के कहते हैं, इनमें ठगी की भक्ति है, व्यर्थ भक्ति है, जीवन नष्ट करने की, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। सन्यासी दस नाम कवावे हैं, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी निकच निसारा भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक भी ना जानते शिव जी को परमात्मा बनाए बैठे हैं। सुन सन्यासी कुल कर्म नासी, भग में प्योंदी भूल ले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति ना कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुण हीना, नग्न निराशा तन को तरासा, पशु प्राणी समान समानी। ये नंगे फिरते हैं जैनी वीर और ये नागा साधु भी कहते हैं नग्न निराशा, ये निराश जाएंगे, इनको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और तन को तरासा, अभी सी बुंडी सर्दी में गर्मी में नंगे आने, अब पशु बन का अपन अंडा करोगे नहीं, वस्त्र आप धक्के खाओगे। अब परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर दिया, बुद्धि दी, इसमें अपना सभ्य तरीके से रहो और भक्ति करो, सत साधना करो। कहते नग्न निराशा तन को तरासा, पशु प्राणी समान समानी। पशु प्राणी समान के कुत्ते की तरह नंगे फिरते हैं। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। कहते हैं वेद पुराण पढ़ डे इन्होंने और उनकी कथा कहानी अपने हिसाब से बना बैठी, इन्होंने अर्थ समझ में नहीं आए वेद और गीता और ये पुराण क्या समझाते हैं। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये पांचों नार पच्चीसों लड़के धुंधू धार मचावे हैं। अब क्या बताते हैं कि घर छोड़ दिया बैरागी बन गया, एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल बे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल बे। एक नारी त्याग दीनी, परमात्मा की महिमा से परिचित होकर पुण्यात्मा कहते हैं अपने घर बार त्याग कर पत्नी को छोड़कर जंगल में चला जाता है, सन्यासी बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं। नारी को औरत को स्त्री को किस लिए छोड़ते हैं कि वो भक्ति में बाधक है, और परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, गैल माने साथ में, और पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे।
अब एक नारी यानी स्त्री तो छोड़ दी तूने बाधक समझ गए कि तेरी भक्ति में बाधा करेगी, और ये पांच नारी गैल वे काम क्रोध बो लोभ अहंकार इन त्याग बेटा, जब बनेगा बैरागी। और फिर क्या सांग काट रहे हैं, कंठी माला और मृग छाला सिर पे जटा रखा हुए हैं, कंठी माला और न कही ये तो जरूरी चाहिए कंठी, कंठी तो मुक्ति होगी क्या नाम से होगी, ये सत्साधना से मर्यादा से रहने से पूरे गुरु से उपदेश लेकर मोक्ष होगा, इन बनावटी बाह्य आडंबर से कोई भक्ति में सहयोग नहीं मिलेगा आपको। कंठी माला और मृग छाला ये सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झाल री पीट फिर ताना री री गावे भगवान के मार्ग में, और ऐसे पंडेला जैसे काम करें ये भगत थोड़े ही। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम ना जाने ये भद्र भेख बनावे हैं, ईसा बढ़िया बढ़िया दाढ़ी डूढ़ी रखा कर बुढ़ी केस बनाकर खूब चमक दे कपड़े पहन के अन्यों को बहुत सुंदर बनकर बन ठनकर चल रहे साधु बनकर। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो, ऊपर तो साधु के साथ बनावटी डूंडा ठा रखा बड़ा महात्मा जी के, अंदर भक्ति एक अंश भी को नहीं, ज्ञान गलत और भक्ति के साधना गलत तुम्हारी अंदर रख्या खो, अंदर तो कुछ भी को नहीं, ऊपर न दिखा बड़ा साधु संत कंठी कुठी माला पैर के, कहते कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का तन अंतर रख्या खो, करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, खुद्या कुत्ती घट में दुत्ती फिर गृह द्वारे आवे हैं। कहते घर तक छोड़ चला, जंगल में जाकर गुफा बना ली, फिर सामने भूख लगी, फिर धक्के खाना गृहस्थी के द्वार गांव में, जिए माई और माई दौरे था ना घर में, बनी बनाई रोटी मिल रही थी, भक्ति का पता चला नहीं, बेमतलब हो के भावुक मूर्खा के बहकाए से जा बैठा जंगल में, अब खाना लेने के लिए फिर गांव में धक्के खाना आया, करवा और कॉपी लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, खुदा कुत्ती घट में दुती फिर गृही द्वारे आवे हैं, खाकी और निर्वाणी नागा ये सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। अब ये भांग क्यों पीवे कि घर तक छोड़ जाए अपनी प्रेरणा से भगवान पाने की, फिर उड़ाव कुण बा याद, फिर ये नशे में गेरे रखें के गुरु वो दिख है ना, नू कभी चिंता सी करता चेला कभी घर याद आ गया, नू भांग घुट गए एक मार का ठूठा पड़ा रहा फिर सारा दिन, कदे भाग ना जा तुम्हारे पास से, इनो वहां अपनी मजबूरी हो जाती है उनको रोकना। फिर कैसी कैसी साधना करते हैं, काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से द्वारका दाग दगावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। कहते हैं सब बैदा है व्यर्थ है, फिर पूछा कि आप जी ने बैठा कैसे जाना, गरीबदास जी से पूछा कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए पता लग गया, हमें वो परमेश्वर स्वयं तत्वदर्शी संत रूप में आए थे कबीर जी, उन्होंने बता दिया इसलिए पता लग गया ये बैठा है। काकड़ भांग तमाखू पी में बकरे काट तलावे हैं, और सन्यासी शंकर को भूले ये बम्ब महादे धावे हैं। बताओ ये भगवान नहीं भूल गए, शंकर का भी नाम ना लेते, ये आपने देखे होंगे कावड़ लावणी है बम्ब 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 बम्ब, भगवान शंकर का नाम भी ना लेते, बम्ब 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 भी कोई मंत्र है, यो सारा दिन टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये दस नाम दया नहीं जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परिचित को ना ये शिव ने करता ठहरावे हैं, उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं, और शिव जी ने कहे मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर अद्रो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं उवा भाई बके, आसन करें कपाड़ी ताड़ी ऊपर चरण हलावे हैं, अजप्पा से तीमर हम नाही सबदम खाली जावे हैं,
अब आसन करें हैं, जैसे आपने देखा टेलीविजन पावे हैं लोग मूर्ख बनावे हैं, पेट न नो घुमाओ, और पेट के घुमाने तो भगवान मिल जाएगा। बता परमात्मा की विधि है वो करते नहीं। कहते हैं आसन करें कपाली ताली ऊपर चरण हलावे हैं, शिरासन कर लें ऊपर न पर दिखावे, और अजप्पा से ती मरहम नहीं सब दम खाली जावे हैं। उस अजप्पा जाप सतनाम के जाप का पता नहीं, सारे सांस व्यर्थ जा रहे हैं आपके। चार संप्रदा बावन दवारे बैरागी अब आवे हैं, ये कूड़े भेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं। अब ये क्या करते हैं, जो इनको सच्चाई बता दे कि ये साधना गलत है, जो साधु संत को ही बतावे कि ये साधना करो, तो कहते उनसे लड़न लाग जा। श्यामी श्यायुज और सहा रूप कहलावे हैं, ये चार मुक्ति, चार मुक्ति की मरहम नाही आगे की क्या पावे हैं। इन चार मुक्ति बिना हो इनकी जो साधना कर रहे हैं, और सतलोक शाश्वत स्थान तो इनको मिलेगा कहाँ से। एती सोंज बखाने मुर्शिद सो सत गुरु कहलावे हैं, कनफू का गुरु कलुआ भैरो सो हम को नहीं भावे है। कहते हैं ये इतना ज्ञान दे वो सतगुरु, वो सच्चा गुरु हमको अच्छा लगे, वो सतगुरु कहलाता है। तीर्थ बर्तों फेरे खुलासा जो पानी गल जात पतासा, ओ तालिब सपने नहीं आया अष्ट कमल खोजी नहीं काया। यो भी वैदा है वैद्य से भेद अलैदा यो भी वैदा, कार्तिक मास महात्म नावे गया पैरागो पिंड भरुआवे, रसना राम रटा ना कोई अगली पछली सारिये खोई। कहते हैं कार्तिक के मास में ना कहूंगे पुणवासी ने गंगा घाट पे और गया पे प्रयाग में पिंड भरवावे। कहते हैं रसना राम रटा ना कोई भक्ति करी को ना अगली पछली सारी खोई, भविष्य का जीवन बर्बाद कर दिया, पिछली कोई पुण्य था वो नष्ट कर दिया। कार्तिक मास महात्म नावे गया प्रयागो पिंड भरवावे, रसना राम रटा ना कोई अगली पिछली सारी खोई। राम रटना माने सतनाम का जाप नहीं किया। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति ये हैं जम किंकर के नाती, सूतक पातक जिमण जाही ये सात जन्म सूख करके पाही। पैर जने ऊ फूले फाले बामण होके बहुगर घाले, उजड़ खेड़े झोटा मारा ताते ब्राह्मण का मुंह काला। रगे दुसाम अथर्वण भाखे लादे बैलर टट्टू हाके, खर की जोन धरोगे देही भूल गए वो शब्द स्नेही। कहते बैल के ऊपर एक गधे का बाहर रख के पोथियान घूमते फिरते हैं, शास्त्रार्थ करते। कहते हैं खर की जोन धरोगे देही गधे बनोगे तुम भूल गए वो शब्द स्नेही, परमात्मा को भूल चुके हो। कहते हैं सूर जंगली खाते हिंदू भूल गए वो बाणा भोंदू, हरी बरहाधरे अवतारा जाको भक्षण करें गवारा। अब दोनों धर्मों को हिंदू और मुसलमानों को लताड़ रहे हैं परमात्मा। कहते हैं हिंदू तो सूअर खाते हैं मांस खाते हैं और मुसलमान गाय खाते हैं, तो कहते हैं तुम दोनों ही नरक में जाओगे। हिंदुओं को कहते हैं कि तुम एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान ने बरहा रूप धारण किया, सूअर का रूप धारण किया, और फिर उस बरहा को तुम खा रहे हो। निर्लज्जो सूर जंगली खाते हिंदू भूल गए बहु बाणा भोंदू, हरी बरहा धरे अवतारा जिसको भक्षण करें गवारा। फिर मुसलमानों को कहते हैं हक हक करते हैं हक्का तीसों रोजे साबत रखा, सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी उस दरगाह में होगी खमारी। कहते सारा दिन तो भूखे मरे, तीसों दिन रोजे करते हैं, सांझ ने मुर्गी खा ली, पता के पुण्य आयु कर्म बिगाड़ दिए। काजी खलक मुल्क को देखो सब गट एक बाणा पेखो, गौ बिना से आदम खोरा काजी मुल्ला गारत गोरा। जो गाय को खाते हो तुम कहते हैं तुम्हारा नाश होगा। मुसलमान ईमानम कीजे पर द्वारे गल छुरी न दीजे, भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई दया बिना दरवेश कसाई। ओए होए कहते मुसलमान ईमानम कीजे कुछ दया करे और पर द्वारे गले छुरी ना दीजे,
किसी प्राणी का गल मत काटे। कहते भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, काजू किसमें सेब संतरे हलवा पकौड़ी कचौड़ी इतने सुंदर आहार भगवान ने दे रखा और फिर भोजन छोड़ तू लव मांस खावे, रुधिर क्यों खाई। मुसलमान ईमान नमकी जय पर द्वारे गल छुरी न दीजे, भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। तुम भगत कहो और जिसमें दया नहीं वो तो दुष्ट है, वो तो कसाई है। दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं वो साधु बना फड़े भक्त नहीं है, वो ना मुसलमान है ना हिंदू है, जिसके अंदर इतनी दया नहीं। मुख मुंदे और झूठा खावे, आप दस्त लेवे नहीं नहावे, घोरी पिंड जैन सब धर्मा भूल गए साई घट गर्मा। अब जैनियों को लताड़ रहे परमात्मा, जैनी जोग विजोगम साध्या भूल गए उस अगम अगाधा, बिना बंदगी झूठा रिसका वैसा पुत्र कहा वह किसका। जैनी जुलम गुलम योगेला जैसे है तेली का बेला, घर ही कोस पचास प्यारा यूं भूल गए साहेब दरबारा। जैनी जन्म जुआ जो हारो ये पांचों इंद्री कस कस मारो, मन मूर्ति का मर्म न जान्या ताते जन्म जन्म हो सवाना। जैनी जल थल पुरुष विराजे जाकी सकल घड़ा वल बाजे, घट में निर्गुण निर्वाणी जैनी जाकी सार न जानी। यो भी बैधा है बैधे से भेद अलैदा, यो भी बैधा बैधा क्यों जाण्या, हम सतगुरु भेंटे नो जाण्या। अब क्या बताते हैं कि जैनी जोग बिजोगम साध्या और भूल गए उस अगम अगाधा, जैनी जुलम गुलम योगेला और जैसे हो तेली का बेला, घर ही कोस पचास प्यारा भूल गए तुम साहेब दरबारा। जैनी जन्म जुआ जो हारो ये पांचों इंद्री कस कस मारो। अब क्या बताते हैं कि जैनी जुलम गुलम यू गैला और जैसे हो तेली का बेला, घर ही कोस पचास प्यारा भूल गए तुम साहेब दरबारा। अभी आपने सुनी भगवान शिव की भक्ति करने वाले साधकों की दशा का कुछ वर्णन, जिसमें सभी मनमाने मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जैसे कोई तो बम बम ओम नमः शिवाय का जाप करता है, जिसकी शास्त्रों में कोई पुष्टि नहीं की गई है। देखिए प्रमाण। पुनात्मा अभी तक हम बहुत अंधेरे में थे, अभी अज्ञानियों ने इन नकली गुरु ब्राह्मणों ने ऋषि महर्षियों ने इन सदग्रंथों का अनुवाद कर दिया हिंदी में, और हिंदी में इन्होंने अनुवाद करते समय अपनी अज्ञान सोच लगा दी और इसमें डाल दी, और आम समाज ने हिंदी पढ़ा, हिंदी में अनुवादित जो भी उन्होंने अनुवाद किया उसको फाइनल मानकर अपना साधना प्रारंभ कर दी। अब शिव पुराण के अनुवादकर्ता ने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में इसमें अपनी सोच अड़ा दी कि ये पांच मंत्रों से ओम नमः शिव बन गया, ओम नमः शिव, और इसका जाप करो। ये देखिएगा, ये भ्रमणा पैदा करती है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं, और देखिएगा इसके। अब हम वहीं आते हैं 25 पृष्ठ पे। अब यहाँ ये है वो स्तंभ शिवलिंग बीच में विष्णु और गर्मा के, और ये है विद्वेश्वर संहिता, और ये संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 24, ये 25। अब हम इसको यहां तक तो हमने संस्कृत में भी पढ़ लिया 25 के नीचे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। अब ये काल भगवान शिव रूप में खड़ा हुआ कहता है, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा करके तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ये देखिएगा, ये 26 पृष्ठ पे, हे पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए हैं, वो दोनों तुम्हें बहुत प्यारे हैं, और रुद्र और महेश्वर ने भी ये दो अन्य
सहार और त्रोभाव प्राप्त किए हैं। इसे सिद्ध है कि ये काल इनका पिता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। अब ये आगे क्या बता रहा है यहां पर देखिएगा। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार रूप से ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोधक है, बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। ये उसी संस्कृत का अनुवाद किया इसने, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा रूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर श्रवण करने से मेरा ही सदा श्रवण होता है। ओम का जाप ब्रह्म का है, ये ब्रह्म शिव रूप में प्रकट होकर बोल रहा है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्वती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार पांच अयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन सभी अयवों से एकीभूत होकर यह पर्वण एक ओम नामक एक अक्षर हो गया। इस अनुवादकर्ता ने जो गलती की है यहां देखो, वह अकार आदि मक क्रम से और मकार आदि क्रम से कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंच अक्षर मंत्र है। अरे गधे, यू आर स्पष्ट कह रहे हैं कि इन पांच अयों से अवैकीभूत होकर ये ओम मंत्र हो गया। अरिशना अड़ाजी ओम नमः शिवाय, ये अलग से अक्षर लिखे ना, ये संस्कृत में नहीं है, इसकी अपनी सोच है। तो पवित्र इन पुण्य आत्माओं ने इस ओम नमः शिवाय को देख लिया कि मूल संस्कृत में भी यही होगा अनुवादकर्ता लिखा है, तो हमने ओम नमः शिवाय की रट लगा दी। ये बिल्कुल गलत मंत्र है, ओम नमः शिवाय शास्त्र विधि रहित मंत्र है, ये नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर चार। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसी अलौकिक शक्ति या सत्ता है जो शिव से भी समर्थ है? यदि हाँ तो वह कौन है? दर्शकों, अभी तक हमने जाना कि शिव जी अविनाशी नहीं है, अर्थात वो भी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। तो आइए अब जानते हैं शिव जी की आयु के विषय में। अब इन भगवानों की थोड़ी सी सतीची बताते हैं, इनकी आयु समझाते हैं आपको। ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित हैं क्योंकि हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तबक बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। जैसे एक चतुर्युग, ब्रह्मा जी का 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि होती है, इसकी उम्र का ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और एक चतुर्युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है, चतुर्युगी भी कहते हैं इसको। और इसके कुल मिलाकर एक तो ऐसे चार युगों का चतुर्युग का टोटल टाइम कितना होता है? 43,20,000 वर्ष, 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग का। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि, इसको लंप सम 1000 चतुर्युग माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ वर्ष कैलकुलेट करते हैं अपना यहाँ का मनुष्यों का, ये वैसे वास्तव में 365 सही 1/4 दिन होते इसमें, लेकिन हम अमूमन इसको 365 दिन का ही मानते हैं, इतना समझ लो। वैसे 1008 होते हैं। और इसका आगे ऐसे इनकी आगे भी इसकी डिफाइन किया है कि एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल पूरा हो जाता है। तो 72 को 14 से गुणा करेंगे तो 1008 चतुर्युग होते हैं। तो लंबसम माना जाता है 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि, ये दोनों मिलाकर समझो एक दिन रात बन गए ब्रह्मा के। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष ऐसे बने हुए पीरियड से, और ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ओ तुरे की बताओ, इब हम तो 100 वर्ष हमारे गिन लो,
ये कितने समय उसकी तुलना में। अब उसकी कैलकुलेशन ऐसे हटकर हम अन्य देवताओं की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अब ऐसे निकालेंगे ब्रह्मा जी की आयु ऐसे बने हुए 100 वर्ष की होगी, ठीक है। उसके बाद इसे 7 गुनी विष्णु जी की 700 वर्ष जैसे ये बने हैं वर्ष, और इससे 7 गुना शंकर भगवान की 4900 वर्ष, किससे 7 गुना विष्णु जी से 7 गुना। और जब ऐसे 7 गुना आयु वाला शंकर मर जाएगा, ऐसे ऐसे 70,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस गीता ज्ञान दाता की मृत्यु होगी। और इतना पीरियड जो होगा 70,000 बार शंकर मरने के बाद, ऐसे जो एक बार ब्रह्मांड का विनाश होगा और इसकी मृत्यु होगी काल की, ज्योत निरंजन की, सर पुरुष की, तो वो होगा युग। किसका? अक्षर पुरुष का युग होगा वो युग। अपने आत्माओं ने वेदों गीता का समझना कोई बालकों का काम नहीं था। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में उसमें लिखा है कि सेंसर युग लिखा है, सेंसर चतुर्युग नहीं लिखा। ये गलती कर रहे हो अनुवाद करते समय, उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिद्ध कर दिया, वो है सेंसर युग ओनली नोट चतुर्युग। तो 1,000 युग का दिन किसका? अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि। तो ऐसे जैसे एक युग, दास ने ये बताया, ऐसा एक युग, ऐसे ऐसे 1,000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतने ही युग की रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का इसका महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और फिर 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सर पुरुष अक्षर पुरुष बताए 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। उसमें कहा कि ये 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, एक सर पुरुष और एक अक्षर पुरुष, ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके कमांड में हैं ये सब नाशवान हैं, लेकिन जीवात्मा अलग विषय है, वो नहीं मरती। फिर उसके तुरंत बाद कहा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवेश्वर, वो इन दोनों से कोई अन्य है वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान उत्तम पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो मूल रूपी संसार है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और वही वास्तव में अविनाशी है अवै ईश्वर है। तो वो कौन है? और इनकी मृत्यु जो इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे, अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है, इतनी लंबी उम्र में मरेगा लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सुख संवेद में कहा है एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे, इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में जिसका कहा कि वो धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही सही सही मार्ग बताते हैं, उनसे सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत आज विश्व में ये दास है, एक बार को आते 100 बार सुन लो। तो अभी आपने देखा कि शिव जी से समर्थ तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष भी हैं, परंतु इनमें सर्वशक्तिशाली परमात्मा केवल परम अक्षर पुरुष है। आइए जानते हैं वेदों अनुसार कौन है परम अक्षर पुरुष। एक लाल होता है, एक मेरे ख्याल में 250 ग्राम का, एक कंचा सा होता है, और जब उसको किसी अनजान व्यक्ति ने कहे कि 2 करोड़ रुपया कहा कोई ना छुआ उसने पटक एक लो है, और जब ये विश्वास हो जाएगा सचमुच 2 का कोई तो 10 करोड़ का है, तो पट भीतर लीजिए में डालेंगे उसने तुरंत इसमें कि देखो और देख ले। तो ये दास आपको ये पहचान करना चाहता है कि कबीर इज गॉड, और ये वो परमात्मा जो बनारस में आपने के एक दुल्हा सा दिखा था, ये मालिक थे, पूर्ण परमात्मा थे,
इसकी महिमा वेदों में लिखी हुई है कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ऐसे लीला करता है। यहां देखिए वो सह शरीर आते हैं, ये ऋग्वेद मंडल नंबर आपको दिखा रहे हैं, ये भी दिखा, ये कहां से प्रकाशित है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली 2 से, ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। यह इन्होंने गलत लिखा है कि इसका भाषावासी आर्य भाषावासी यानी अनुवाद महर्षिदान सरस्वती नहीं किया इन दोनों का, ये किसी और ने किया। फिर भी देखो इसके मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेंट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, ये इनके फोन फैक्स नंबर है। इसमें हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को यानी साकार है ना भगवान, इनके शब्दों में अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है अपुण्य आत्माओं। ये स्पष्ट हुआ कि वो परमात्मा जो सत साधना करते हैं उनके सब उनके रस्तों को सुगम करता है, उनकी बाधाओं को टालता है और उन पर आने वाले संकटों का निवारण करता है। वो परमात्मा कबीर देव है, वो कबीर देव जैसे कवि, अब कबीर कबीर देव, हम इसको कबीर देव माने परमेश्वर और हम कबीर कबीर जैसे संस्कृत में जो कबीर है कवि, कबीर देव है जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 में कबीर देव लिखा है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 इसका मंत्र नंबर 1 आपको दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट है ये लिखा पर कबीर देव, जो कबीर देव है, देव माने परमेश्वर और कबीर, ये कबीर को कवि कहते हैं, हम कबीर देव सीधा लेने लगे कबीर देव क्योंकि वो कवि कहलाता है, अपनी बात अपनी ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम के बोलने से वो कवि कहलाता है परमात्मा, जो कबीर देव नाम उस भगवान का कबीर देव, तो ये हम इसको कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो कबीर देव हम इसको कबीर साहब कहने लगे, साहब को चाहे देव को हो, भगवान को हो, गॉड को हो, तो हम इसको कबीर देव यानी ये चाहे संस्कृत के ज्ञाता इसको कवि बना दें तो कवि, वो कवि तो कवि हम फिर भी कहना पड़ेगा, वो तो लोकोक्तियों के माध्यम से कवि रूप में प्रकट होता है जो भगवान, जो यहाँ कविताओं के माध्यम से अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से उस यथार्थ ज्ञान को जो प्रचार करता है वो परमात्मा, उसको उसका नाम ही कबीर कबीर साहब है, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। तो संस्कृत में वेद उसको कबीर देव कहते हैं कि वो कवि कवि साहब
ये कवि साहब मान लें जो ज़्यादा एंडमेंड करते हैं संस्कृत में, अब व्याकरण ऐसे है, व्याकरण नहीं जानता, व्याकरण क्या कर लेगी इसमें। अब तुम कवि कवि कह रहे, कवि हम कवि साहब, हम कबीर साहब कहें तुम कवि साहब कह दो। वो जो परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से आकर के ज्ञान देता है, कविताओं के माध्यम से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी पाता है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो बनारस में आया था। हम वो कहते हैं वो ही है वो कवि देव, तू जिसने तुम कवि को हो, हम वो हम उसने कबीर साहब कहा, इतनी सी बात है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 आपने पढ़ लिया, 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया कि यज्ञ, ये देखो यहां भी कबीर अत्यो, यहां भी कबीर लिखा है, ये कबीर देव है, कबीर अत्यो, हम इसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब है, इन्होंने इसका अर्थ यहां लिख लिया संधि छेद कर कबीर कर दिया, कबीर कवि ही, हम इसको कबीर देव लिख दें यहां पर, वो कवि साहब है, कबीर साहब, नथिंग एल्स। यज्ञ करने वाले, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब दुखों का, उनके रास्ते खोल देता है भक्ति के, उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, सत्साधना करते हैं उनकी, और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को, परमात्मा साकार है, अपने रूप को, क्योंकि सतलोक में उसका रूप बहुत तेजों में है, एक रोम कूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतना तेज है उनका, लेकिन उसको हल्का तेज पुंज का बनाकर, तेज पुंज अलग से रूप बनाकर, हल्का रूप बनाकर, अपने रूप को सरल करता हुआ यानी हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर, वह कांति में परमात्मा, वह कबीर देव, कबीर जो कवि लिखे ना, हम इसको कबीर देव कहें, वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छे अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। अब यहां थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं के द्वारा। जैसे कहीं पर यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो, लिखी हुई हो, तो वहां केवल यजु भी लिखा हो, यजु हु, तो वो भी यजुर्वेद ही समझा जाता है। जैसे इसमें यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये ऊपर अलग रहा है, इसको यहां दो अपसर्ग लगा के अलग अलग कर सकते हैं, यजुर्वेद, यजुहु कहते हैं इसको। लेकिन इसका भी ये देखिएगा, यजुर्वेद ये महर्षि दानंद सरस्वती ने अनुवाद किया है कंप्लीट, पूरे 40 अध्याय का। ये कहां से प्रकाशित है, वही सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, ये दूरभाष है, ये यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में ये कंसेप्ट क्लियर होता है जो दास करना चाहता है। ये है षट त्रिशा अध्याय आरंभ, ये 36वां अध्याय, षट त्रिशा यानी 36, षट त्रिशा माने 36, इसका प्रथम मंत्र है। इसमें रचम वाचम पर पधे मन मनो यजु, ये यजु शब्द है, इसका अनुवाद करते समय स्वामी जी ने खुद ही यहां पर कंप्लीट किया, यहां केवल यजु लिखा है, ये देखना, यहां पर अनुवाद करते समय ये केवल यजु शब्द है, यजु मूल संस्कृत में, तो इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस अगर ये नू नहीं लिखेंगे तो इस यजु का अर्थ क्या करेंगे, ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ केवल यजु जो लिखा है ये यजुर्वेद की तरफ संकेत है, ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो यजुर्वेद, अब जैसे आपने ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यहाँ देखना, और इसका ये 26 नंबर मंत्र आपने देखा, इसमें लिखा है कि
निर्गुणम हरियंत हरियत है कबीर अति कबीर अति, इस कबीर का इन्होंने ऐसे लिख दिया, यो कवि बना दिया, कवि ही हम इसको कबीर देव लिख दें, यहाँ पर कबीर देव वह ही लिखें और कबीर देव लिख दें। जैसा कि आपने यहाँ देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में ये लिख रहा है क्या कबीर देव, तो हम इसको ऐसे ही लिख दें ये कबीर देव है। हम इसको यहां भी इन्होंने इसको कवि को दो भागों बांट दिया, ये कवि मेधावी कर दिया, वह परमात्मा कवि कवि का अर्थ कर दिया मेधावी है, कोई बात है कवि का अर्थ मेधावी हो अगर, वो परमात्मा कबीर देव है, यो कबीर देव ये लिखना चाहिए था, वह कबीर देव है। इसमें तो स्पष्ट लिखा है अगर केवल कवि शब्द भी है, जैसे इसमें है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में वह कबीर अति कबीर अचो, तो इन्होंने इसको अकेला सिंगल कबीर कर दिया और अचो यो नारा कर दिया अचो, तो यहां हम लिख दें वह कबीर देव है। अब देखना यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, सारे संकट निवारण कर देता है, खत्म कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, हम यहाँ लिख दिया कबीर देव, जैसे यजुर्वेद लिखा यजु के स्थान, या यजु था उन्हें यजुर्वेद लिखना पड़ा, ऐसे ही कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को श्रेष्ठ आत्माओं को अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है मिलता है। कहाँ रहता है वो 27 में लिखा है गणा नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा धूलोक के ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज 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 पुंज का भगवान है वो, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहाँ से चलकर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। तो अब देखिए गीता अनुसार उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म का वास्तविक भक्ति मंत्र। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का तीन मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन ये है। देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, अब ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा, ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह तीन प्रकार का सचिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत उसको पाने का, ओम तो पुणात्मा सीधा है ब्रह्म सर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है सांकेतिक शब्द है, ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है दो अक्षर का, और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है, और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। सवाल नंबर 5, धार्मिक शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता माने जाने वाले अनेकों धर्म गुरु हमें धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने का दावा करते हैं, लेकिन अब तक शिव जी की असली समर्थता के बारे में धर्मगुरु हमें क्यों नहीं बता पाए, इसके पीछे क्या कारण है, तथा पूर्ण गुरु को कैसे पहचाने जो शास्त्रानुकूल ज्ञान प्रदान करता है। दर्शकों, अब तक हमने देखा कि शिव जी ना तो अविनाशी हैं, ना सर्वशक्तिमान हैं, और न ही उनकी साधना से साधक को कोई विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। इन सभी बातों के ठोस प्रमाण हमें हमारे पवित्र शास्त्रों से मिलते हैं। हालांकि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान माने जाने वाले कई धर्मगुरु शिवजी को सर्वशक्तिमान, अविनाशी, मृत्युंजय और स्वयंभू मानते हैं,
लेकिन उनका यह विचार शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत है, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसलिए उन्होंने शास्त्रों के विपरीत शिव जी को अविनाशी और सर्वशक्तिमान बताया। दर्शकों, आज के समय में लाखों धर्मगुरु हैं जो शिव जी के बारे में यही मत रखते हैं। तो फिर आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि लाखों धर्मगुरुओं की भीड़ में उस पूर्ण गुरु को कैसे पहचाना जाए जो साधक को शास्त्रानुकूल ज्ञान और भक्ति प्रदान करता है। तो यह जानने के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। तो वो संत नहीं है, वो दिखे संत, क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत बहुत ही ज़्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई हैं कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र का मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुन सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है, लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है। तो कितनी ही बातें बनाता रहे वो संत नहीं है। और किसी व्यक्ति ने इस दास से सुनकर और ये मंत्र लेकर तीनों और स्वयं वो संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है, उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डुंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो साध का डुंडा पीट रख्या, जैसे कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे हैं, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डुंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तीसा दिखे भाई, कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा और अंदर खख नहीं उसके। तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहेब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञान दाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खर ना हो केहरी कबहू सिंह की खाल उढ़ाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता, दिखता शेर है बिल्कुल। अब तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही बताई है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और इसके
अध्याय नंबर 15 अथ पंच दसो अध्याय 15वां अध्याय, इसमें है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवयम, ये मजबूत पीपल का वृक्ष यानी वृक्ष रूपी अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा है, जो कहा गया है, कहा है छंदासी यस्य परनानि यतम वेद स वेदवित, छंद माने टुकड़े, विभाग सहित जिसके पत्ते आदि हैं वो यतम वेद स वेदवित, जो उसको जानता है स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को सही जानता है। देखना इन्होंने अनुवाद किया आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, भावार्थ इनका ये ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर समझो, और नीचे को शाखा तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। ये देखना आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधः शाखम, अधः अधः का अर्थ इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले लिख दिया, नहीं अधः माने नीचे होता है, ये देखो इन्होंने खुद किया है, अधः अधः माने नीचे, अधः माने नीचे कौन से में, दूसरे ही मंत्र में, ये पंद्रहवें अध्याय के दूसरे ही मंत्र में इन्होंने अधः दो बार लिखा, इसमें इसका यहां अनुवाद किया है अधे माने नीचे और अधे माने नीचे, तो यहां हम इसके अनुसार अनुवाद करें क्योंकि तो विचलित थे ये अनुवाद करता, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था। ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये ठीक है पूर्ण परमात्मा, तो ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो इस संसार रूपी वृक्ष के, अधे शाखम नीचे को शाखा वाला। अब ये आपको समझ में आएगा इससे, ये चित्र देखें, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये सारा ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी अविनाशी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी छंद यानी टुकड़ों को, ये तना क्या है, ये डार क्या है, और ये शाखा क्या है, और ये पत्ते कौन है, तो परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म ने अपने उस मुख्य ज्ञान में, अपने मुखारविंद से उच्चारित उस तत्व ज्ञान में, अमृतवाणी में, कबीर वाणी में कहा है, अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है भाई पातरोप संसार। अक्सर पुरुष ये पूरा एक संसार है, क्योंकि जो जमीन से बाहर दिखाई देता हम उसको पेड़ मानते हैं, ये वृक्ष है, ये संसार रूपी अक्सर जड़ से जो जमीन से बाहर दिखता है हम उसको वृक्ष कहते हैं वृक्ष, तो ये अक्सर पुरुष तना जो है ये तो अक्सर पुरुष है, और निरंजन ज्योति निरंजन ये ब्रह्म, ये इसकी डार है, मोटी डार जो निकली उस डार के फिर तीन शाखाएं बन गई, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी, तीनों देवा शाखा है और ये पात्र रूप संसार, ये परमात्मा ने स्वयं बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष है ये क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं, और ये पात रूप संसार है, तो ये जो ऊपर है ये मूल जो है ये पूर्ण परमात्मा है, इसको परम अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, परम अक्षर ब्रह्म, और ये क्षर ब्रह्म, ये अक्षर, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष परब्रह्म भी कहते हैं, ये क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु
ये तीनों शाखाएं। अब पर ये ज्ञान अब समझ में आएगा गीता जी वाला। ये देखो अथ पंचदशो अध्याय, ये प्रथम मंत्र 15 जाएगा। प्रथम मंत्र आपको सुना रहा हूँ श्री गीता जी का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को, ऊर्ध्व माने ऊपर को मूल वाला, और अधय माने नीचे को। इन्होंने लिखा ब्रह्मा रूप मुख मुख्य शाखा वाले, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अधय शाखम नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते हैं, छंद माने टुकड़े होता है, छंदासी यस्य प्रणानी, और इसके छंद इसके टुकड़े जो हैं वो अलग अलग विभाग हैं, उसके पत्ते आदि कहे हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर शाखाओं तक तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तम यह वेद, उसको जो जानता है, वेद माने जानना भी होता है, ज्ञान होता है, स वेदविद, उस वह वेद के तात्पर्य को, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है जो इन पूरे सदारूपी वृक्ष के विभाग विभाग सहित बता देता है कि ये तना कौन है, ये जड़ जड़ कौन है, ये तना कौन है, ये डार कौन है, और ये शाखाएं क्या है, पत्ते क्या है। तत्वदर्शी संत है ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 1 ने स्पष्ट कर दिया। तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। तो दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में हमने सावन शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा की वास्तविकता और इनके पीछे छिपी धार्मिक मान्यताओं के बारे में गहराई से जाना। हमने देखा कि पवित्र शास्त्रों में शिव जी की भक्ति और कांवड़ यात्रा की कोई पुष्टि नहीं की गई है, बल्कि इन सभी क्रियाओं को शास्त्र विरुद्ध माना गया है। हमने यह भी समझा कि शिव जी स्वयं अविनाशी नहीं हैं और उनकी भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अंततः हमने जाना कि हमारे धर्म गुरु हमें शास्त्रानुकूल ज्ञान प्रदान करने में असफल रहे हैं और केवल एक तत्वदर्शी संत ही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। यही तत्वदर्शी संत हमें पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर ले जाता है, जो हमें न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम शास्त्रों के अनुसार साधना करें और सही तत्वदर्शी संत के मार्गदर्शन में भक्ति करें, ताकि हमें वास्तविक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके। आशा है कि इस एपिसोड से आपको सही जानकारी मिली होगी और आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नु डागर है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली मलिकपुर का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम हनुमान जी की भक्ति करते थे, श्याम जी की भक्ति करते थे। जो हमारे हिंदू धर्म में जो भक्ति होती है हम वो सारी भक्ति करते थे, पारिवारिक भक्ति करते थे जो हमारे शुरू से चली आ रही है। सर जब आप हिंदू परंपरा के अनुसार भक्ति साधना कर रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर हम हिंदू देवी देवताओं की भक्ति तो कर रहे थे पर हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। मैं खाटू श्याम जाता था, मैं बालाजी जाता था, मैं वैष्णो देवी में जाता था, और लेकिन मुझे जाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। मेरी फैमिली में परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी, दिन पे दिन परेशानियां बढ़ती जा रही थी मेरी, तो मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था इनसे। इतना ज़्यादा नशा करता था मैं, मेरी संगत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं छोटी उम्र में ही, मैं 16-17 साल की उम्र में नशा करने लग गया, और मैं इतना ज़्यादा नशे के में बढ़ गया कि मेरी फैमिली सारी परेशान हो गई। मैं नशे से इतना ज़्यादा, मैं स्मोक बहुत ज़्यादा करने लग गया, सिगरेट पीता था मैं, और हमारे यहाँ हुक्के का इतना चलन है कि मैं हुक्का इतना पीता था कि मेरे से रुका नहीं जाता था। मुझे खाना खाने से पहले भी हुक्का चाहिए था और खाना खाने के बाद भी, तो मुझे रुका नहीं जा रहा था। मेरी फैमिली मेरे से परेशान हो गई, हमारी आर्थिक कंडीशन ख़राब होती चली गई। फिर उसके बाद मेरी संगत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने हुक्का बार ही खोल लिया।
फिर मैंने हुक्का बार खोला, लोगों को हुक्का पिलाना शुरू किया, तो मेरी उससे और ज़्यादा मेरी ड्रिंक करने की जो आदत थी मेरी और ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैं ड्रिंक डेली करने लग गया, जिससे मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई, मेरे पास पैसा रुकना बंद हो गया, मेरी फैमिली में झगड़ा होना शुरू हो गया, फैमिली में पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया, मेरे घर वाले मेरे से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि रोने लग जाते थे, कहते थे कि ये अगर ये मर जाए तो ठीक है, क्योंकि इसने हमारी हालत ख़राब कर दी। मेरे दो छोटे भाई है, उनकी भी सोच सोच के वो ये कहते थे कि इनके बारे में सोच ले, तो मेरे से नशा छूट नहीं रहा था। फिर मेरे घर वालों ने मेरा नशा छुड़वाने के लिए मुझे, पहले तो मुझे जो एक टीवी पर आते थे निर्मल बाबा करके, उनके पास लेके गए। मैंने, मेरी मम्मी ने 2000 रुपये की, दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम है उसमें उनकी टिकट बुक कराई 2000 रुपये दे के। मैं वहाँ गया, वहाँ जाने से भी मुझे नहीं लगा कि यहाँ कोई मेरा नशा छुड़वा सकता है। उसके बाद फिर मेरी मम्मी, लाल किताब वाले आते हैं जो टीवी पे आते हैं, जो जन्मपत्री बनाते हैं, और वो बताते हैं कि आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, उपाय करने के बाद इनको लाभ होगा और इनका नशा छूट जाएगा। उन्होंने 10 मिनट की अपॉइंटमेंट के हमसे 11000 रुपये लिए और मेरी जन्मपत्री बनाई, और उन्होंने बताया कि ये आप उपाय करो, उपाय करने से आपका नशा छूट जाएगा। मैंने 3-4 महीने लगातार उनके उपाय करे, उन्होंने जो जो बताया, लेकिन मेरा नशा छूटा नहीं। मेरे से मेरा और ज़्यादा मेरा पीने का मन करता चला गया। फिर मेरा आर्थिक कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, कर्जा इतना ज़्यादा हो गया, बाहर से उठाना पड़ गया, घर वाले परेशान हो गए, लास्ट में थक हार के मैं अपने घर बैठ गया। मतलब सर, बात कहने की ये है कि मैं नशे में घिर चुका था और मेरा कोई नशा छुड़वाने वाला मुझे मिल नहीं रहा था। मेरी फैमिली परेशान, मेरी आर्थिक कंडीशन ख़राब, बाहर से ब्याज पे पैसा उठाना शुरू कर दिया, कर्जा सिर पे होता चला गया। मेरी फैमिली वाले सोच रहे थे ये कैसे ना कैसे करके मर ही जाए तो ठीक है, क्योंकि इसने हमारी हालत ख़राब कर दी है। तो इसी दौरान क्या हुआ कि कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो कंडीशन देख के हमारे पड़ोस में हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है, उन्होंने देखा कि इनकी कंडीशन ख़राब है, तो इनको समझा के आते, वो हमारे घर आए, उन्होंने हमें समझाया, समझा के मुझे कुछ समझ में आया, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप चल के देखो वहाँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं बहुत जगह जा चुका हूँ, निर्मल बाबा के वहाँ जा चुका हूँ, लाल किताब वाले के वहाँ जा चुका हूँ, पंडितों के वहाँ जा चुका हूँ, वैष्णो देवी जा चुका हूँ, खाटू श्याम पे जा चुका हूँ, बालाजी जा चुका हूँ, अब बताओ भाई मैं कहाँ चलूँ। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि एक बार ज्ञान सुनो और एक बार आप हमारे कहने से चलो, तो हम, मैंने उन पर ट्रस्ट करा। तो सर 12 जुलाई 2013 को मैं उन भाइयों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाड़ा आश्रम में गया, और वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ इतने सारे भगत थे जो कि निःशुल्क रह रहे थे, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं थी, जबकि मैंने निर्मल बाबा का 2000 रुपये में टिकट बुक कराई। फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे ज्ञान सुना, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी एक सत्संग सुना रहे थे और एक वाणी बता रहे थे कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी, स्वान मतलब कुत्ते के जानी। तो वो वाणी मेरे दिमाग में ऐसी लगी जाके कि मैंने अपना जीवन इतना ख़राब कर दिया कि मेरे कुत्ते के जन्म होंगे। फिर मैं वहाँ बैठ गया, मैं बैठने के बाद मैंने 1 घंटा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और इतना पछतावा करा कि मैं कहाँ कहाँ घुमा और भगवान मुझे आज जाके मिले हैं। फिर मैंने उनको दंडवत करी, मैंने नाम दीक्षा, तुरंत नाम दीक्षा ली, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक नशे को ना तो छुआ है ना किसी को छूने दिया है। सर कितनी अजीब बात है कि आप इतने प्रसिद्ध संतों के पास आप गए, उसके बावजूद भी आपका नशा नहीं छूट पाया। संत रामपाल जी महाराज के पास जाने से, उनका सत्संग सुनने से, उनसे नाम दीक्षा लेने से आपका नशा कैसे छूट गया? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। संत जो होते हैं उनके वचन में बहुत पावर होती है। वो जो, जैसे कि निर्मल बाबा थे, लाल किताब वाले थे, वो भी बताते थे कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके वचन में पावर ही नहीं थी क्योंकि वो संत ही नहीं थे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही बोला वो वाणी, वो बात, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड, तो संत रामपाल जी महाराज जी ही एक इस दुनिया में ऐसे संत हैं, सच्चे संत हैं और पूर्ण संत हैं, जिनकी वाणी और जिनकी बोली हुई बात डायरेक्ट मेरी आत्मा में जाके लगी और मुझे इतना पछतावा हुआ कि मैं आज से पहले कहाँ था, और मुझे एकदम से ज्ञान का पता चला कि हाँ, अगर इस दुनिया में पूर्ण संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और सर हमारा यूथ नशे की तरफ इतनी
तेजी से बढ़ रहा है। मैं सभी को बताना चाहूँगा, हाथ जोड़ के बताना चाहूँगा, अगर कोई भी नशे से परेशान है, किसी का भी नशा नहीं छूट रहा है, मैं ये गारंटी लेता हूँ, जिसने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन लिया और उनसे नाम दीक्षा ले ली, वो नशे के कभी पास भी नहीं जा सकते। जैसे मैं था, 16 साल का नशा करने लग गया था और मुझे 10 साल हो गए जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लिया, उनका ज्ञान सुना है, मैं नशे को छू भी नहीं सकता। और करना तो बहुत दूर की बात है, मैं छू भी नहीं सकता। अगर किसी को भी अगर नशा छुड़वाना है तो वो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी लाइफ ही बदल गई, ये मानो कि मेरा नया जन्म हो गया। इतने लाभ मिले हैं, इतने लाभ मिले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं सारे गिनवाने लग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे बड़ा लाभ, मेरा नशा छूट गया, मेरी आर्थिक कंडीशन जो थी खराब थी, आज मेरी संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से, मेरे गुरु जी की वजह से आज मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। मेरे परिवार में इतनी सुख शांति है, मेरे पास, मैं अपना खुद का, मेरा ब्रिक्स का काम है, ब्रिक्स का प्लांट है मेरा, एक नहीं दो दो प्लांट बंदी छोड़ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझ पे दया करी है। मैंने नाम दीक्षा लेते ही सबसे पहले तो अपना हुक्का बार बंद करा, जो मैं पाप कमा रहा था और खुद कर रहा था, मैंने सबसे पहले उसको बंद करा। मेरा जो कर्जा हो रहा था, धीरे धीरे मेरा कर्जा खत्म होता चला गया, मेरे घर में शांति हो गई, मेरे घर में खुशियों की लहर आ गई और मेरी आर्थिक कंडीशन इतनी सुधरती चली गई कि मैं धीरे धीरे बिजनेस पे चला गया। और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा लाभ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरी भगवान की तलाश थी, आध्यात्मिक तलाश थी जो मेरी, वो संत रामपाल जी महाराज मुझे मिलने के बाद मेरी ख़त्म हो गई, मुझे भगवान मिल गए और अब मैं खुश हूँ और मेरा खुशहाल जीवन है जो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने करा है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी मम्मी को ब्लड प्रेशर था और डायबिटीज थी, शुगर था, वो अब उनका, मेरे गुरुजी, मेरे संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से बिल्कुल नॉर्मल है और वो अब बिल्कुल ठीक है। जो कि मेरी मम्मी का डायबिटीज अगर मैं आपको बताऊं तो 550 से ऊपर हुआ करता था, खाना खाने से पहले 350 और खाना खाने के बाद 550, जो कि इंसुलिन पे आ जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से वो अब बिल्कुल ठीक है और उनका डायबिटीज भी 150-150 के करीब रहता है और वो बिल्कुल ठीक है। सर, हम आपको युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल के तौर पे देखते हैं कि पहले आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और अब आप नशे को हाथ तक नहीं लगाते, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारा यूथ है वो दिन प्रतिदिन नशे के इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, मैं उन्हीं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ जो भी नशा छोड़ना चाहते हैं, जिनसे नशा नहीं छूट रहा है, वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और उनका ज्ञान सुने। मैं गारंटी लेता हूँ वो नशे के कभी पास भी नहीं जा पाएंगे और वो कभी नशे की सोच भी नहीं सकते। और सर, मैं इसके साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप भगवान प्राप्ति चाहते हैं, अपने जीवन में सुख चाहते हैं, अपने लाइफ में, अपने घर में कोई भी दुख है उसको समाप्त करना चाहते हैं और अपनी शांति चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए। मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है, यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, आपकी सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे सोशल मीडिया है, अपने टीवी चैनलों पर, बहुत सारे टीवी चैनल हैं जिन पे हमारे गुरुजियों का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और सत्संग के दौरान नीचे एक पीली पट्टी चलती है जिस पे नंबर शो होते हैं, उन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर पे जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे इंडिया में 500 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र हैं, आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पे जाके और नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी।
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।